मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग सबका फिफ्थ लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे ओलियम की। ओलियम एक मिक्सचर है जो H2SO4 और SO3 से मिलकर बना होता है। इसकी कंसंट्रेशन को हम परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम के थ्रू पढ़ते हैं। परसेंटेज लेबलिंग से ही हम इसमें प्रेजेंट फ्री SO3 की परसेंटेज निकालते हैं। आज हम ओलियम पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करता हूं पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आज वाले न्यूमेरिकल्स करने में आपको ज्यादा कंफर्टेबल आप रहेंगे। कल हमने जो बात डिस्कशन किया था कि ओलियम के सैंपल में परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 का फॉर्मूला हमने लिखा था y-100/18×80, जहां y क्या है, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। इसी फॉर्मूले से अगर मुझे y निकालना हो, यानी कि लेबलिंग निकालनी हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं x से डिनोट कर देता हूं, तो x मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 80, 100 प्लस में आ जाएगा। तो अगर फ्री SO3 की परसेंटेज हमें गिवन है तो हम ओलियम की परसेंटेज लेबलिंग में निकाल सकते हैं। x है फ्री SO3 की परसेंटेज और y है लेबलिंग ऑफ ओलियम सैंपल। एक और फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में अमाउंट ऑफ H2SO4 पूछी जाए आफ्टर एडिंग वाटर, तो उसका फॉर्मूला होता है W ओलियम सैंपल की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज लेबलिंग। तो इन तीन फॉर्मुलों से हम इसके डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। आइए देखिए इस पर बेस किसने कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है इसने, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर required for 20 gram oleum sample of 112% labeling। अगर आपको oleum sample की labeling 112% दे रखी है और सैंपल की 20 ग्राम अमाउंट दी हुई है, तो ये पूछ रहा है कि वाटर कितना चाहिएगा इसके लिए। तो जैसे ही कल मैंने आपको y, जो कि आपको 112% दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन बताई थी। क्या बताई थी? y-100 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड फॉर कितने ग्राम सैंपल के लिए, 100 ग्राम ओलियम सैंपल के लिए। तो हमारा वाई है 112, तो 112-100 इज इक्वल टू 12 ग्राम वाटर जो होगा वो 100 ग्राम ओलियम सैंपल की SO3 गैस को डिसोल्व कर देगा। अगर आपको सैंपल 20 ग्राम गिवन है तो इसका 1/5 पार्ट ही आएगा। तो 100 ग्राम सैंपल के लिए अगर 12 ग्राम वाटर चाहिए तो 20 के लिए कितना चाहिए, इसका 1/5, 20/100, दैट अमाउंट विल बी 2.4 ग्राम। यानी कि आपको 20 ग्राम ओलियम सैंपल जिसकी लेबलिंग 112% है, उसकी सारी SO3 को डिसोल्व करने के लिए कितना वाटर चाहिए आपको, 2.4 ग्राम वाटर चाहिए। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, 45 ग्राम ओलियम सैंपल ऑफ लेबलिंग, इसकी लेबलिंग आपको गिवन है 109%।
आफ्टर एडिंग वॉटर, आफ्टर एडिंग वॉटर फाइंड द अमाउंट ऑफ सोलिड NaOH विच कंप्लीटली न्यूट्रलाइज दिस सोल्यूशन विच कंप्लीटली न्यूट्रलाइज दिस सोल्यूशन. रिपीट कर रहा हूं, 45 ग्राम वॉल्यूम सैंपल ऑफ लेबिंग 109% आफ्टर एडिंग वॉटर फाइंड द अमाउंट ऑफ सोलिड NaOH विच न्यूट्रलाइज दिस सोल्यूशन. तो पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपको ओलियम सैंपल में वाटर ऐड करके H2SO4 में कन्वर्ट करना है. हम लोग जानते हैं H2SO4 एक एसिड है, तो एसिड और बेस आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे. तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इसमें अमाउंट ऑफ H2SO4. अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा आपके लिए. अगर आपको अमाउंट चाहिए टोटल H2SO4 की, तो क्या है, अमाउंट ऑफ ओलियम सैंपल इंटू परसेंटेज लेबलिंग. तो अमाउंट आपको दे रखी है 45, परसेंटेज लेबलिंग दे रखी है 109, परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा नीचे. इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 49 ग्राम. यानी कि ओलियम के सैंपल में वाटर ऐड करने के बाद जो टोटल H2SO4 बनता है उसकी अमाउंट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दैट इज 49 ग्राम. अब मोल्स निकाल लें इसके, 49 मास अपॉन GMM. H2SO4 का GMM कितना होता है, 98, तो मोल कितने हैं, 1/2. अगर H2SO4 के मोल्स 1/2 हैं, तो H पॉजिटिव आयंस के मोल्स कितने होंगे, इसके डबल, क्योंकि एक मोल H2SO4 कितने H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करता है, डबल आयंस को. तो 1 मोल H पॉजिटिव आयंस है आपके पास में. आप लोग जानते हो न्यूट्रलाइजेशन का एक रूल है कि जितने OH नेगेटिव हो, जितने H पॉजिटिव उतने OH नेगेटिव होने चाहिए. इसका मतलब NaOH के भी कितने मोल चाहिए मुझे, NaOH का भी मुझे 1 मोल चाहिएगा. तो आंसर हो जाएगा 40 ग्राम, आंसर हो जाएगा 40 ग्राम इस तरह से. अब हम बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है 300 ग्राम ओलियम सैंपल ऑफ 112% लेबलिंग इज एडेड बाय व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू मेक 109%. यानी कि आपने पूरा वाटर नहीं डाला इसमें, पूरा वाटर डाल देते तो ये लेबलिंग आती नहीं, वॉल्यूम रहता ही नहीं. आपको एक क्वेश्चन में क्या दिया है, 300 ग्राम सैंपल है जिसकी लेबलिंग पहले तो 112% थी, वाटर ऐड करने के बाद हो गई 109%. तो पूछा है बताओ कितना वाटर इसमें ऐड करना पड़ेगा. इसकी बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले आप इसमें दोनों सैंपल्स में SO3 की, फ्री SO3 की परसेंटेज निकाल दीजिए. तो जो पहला सैंपल मतलब वाटर ऐड करने से पहले 2/3 × 80, 160/3%. और इसको ए बोल देता हूं वाटर ऐड करने से पहले, इसको बी बोल देता हूं वाटर ऐड करने के बाद. वाटर ऐड करने के बाद कितना बन गया, 109. तो ये परसेंटेज आ जाएगी आपकी 40%. तो ये 160/3% से कम हो गया, कितना हो गया, 40%. ठीक है, अब मेरा सैंपल है 300 ग्राम, तो 100 ग्राम सैंपल में अगर SO3 160/3 है, तो 300 ग्राम सैंपल में इसकी अमाउंट कितनी रही होगी, 160 ग्राम. किसकी अमाउंट निकाल रहा हूं, SO3 की. उसी तरह से SO3 की जो वाटर ऐड करने के बाद अमाउंट बचेगी वो कितनी बचेगी, 100 ग्राम में तो 40 ग्राम है. अगर 100 ग्राम सैंपल लूं तो इसमें 40 ग्राम SO3 है, तो 300 ग्राम सैंपल जो है उसमें कितने ग्राम SO3 रही होगी,
120 ग्राम, यानी कि इनिशियल मोल SO3 के थे अपॉन 80 GMM 2 मोल, और SO3 के जो फाइनल मोल हो गए वो हो गए 3/2 मोल। तो वाटर ऐड करने से पहले मोल कितने थे 2, और वाटर ऐड करने के बाद कितने मोल हो गए 3/2, यानी कि हाफ मोल SO3 वाटर ने डिसोल्व कर दी, यानी कि हाफ मोल SO3 वाटर ने डिसोल्व कर दी। तो मैं क्या कह सकता हूं, SO3 प्लस वाटर गिव्स H2SO4 स्टार्टिंग में, इनिशियल और फाइनल दोनों की बात करते हैं। स्टार्टिंग में 2 मोल थे, पता नहीं कितना वाटर ऐड किया, पता नहीं n मोल है, लेकिन बाद में कितने हो गए 3/2, या यूं कह देता हूं एक बार 2 माइनस n, क्योंकि हम पता है कि वाटर तो खत्म हो जाएगा और SO3 तो रिमेनिंग रहेगी। इस तरह से अगर वाटर के n मोल डालेंगे तो वो क्या करेंगे, n मोल इसके 2 मोल में से n मोल से रिएक्शन कर लेंगे, तो ये तो खत्म हो गए क्योंकि लिमिटिंग होता है वाटर, और SO3 के रिमेनिंग कितने बचेंगे 2 माइनस n। अब मुझे पता है कि ये रिमेनिंग मोल कितने हैं 3/2, इसका मतलब कितने मोल SO3, कितने मोल SO3 रिएक्ट कर गई हाफ मोल, तो अंडरस्टूड सी बात है वाटर के भी कितने मोल रिएक्ट कर रहे होंगे हाफ मोल, तो वाटर की अमाउंट कितनी रिएक्ट की हो गई 1/2 × 18 = 9 ग्राम, यानी कि 9 ग्राम वाटर अगर मैं ऐड करूंगा 300 ग्राम वॉल्यूम सैंपल में तो वो 112% से घटा के उसको कितना कर देगा 109% कर देगा। तो इस तरह से हम वॉल्यूम पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और भी आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट आए तो आप मेरे को भेजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको आप प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।